जय वाल्मीकि भगवान, जय जय वाल्मीकि भगवान, जय जय वाल्मीकि भगवान, जय जय वाल्मीकि भगवान। विश्व हिंदू परिषद द्वारा भोपाल मध्य प्रदेश से पधारे वाल्मीकि संत समाज का भव्य स्वागत एवं प्रतिभोज मंगलवार को मुरादाबाद में आयोजित किया गया। स्वागत समारोह में मुख्य रूप से 108 श्री मिट्ठू महाराज भोपाल एवं पूज्य ब्राह्मण शरण वाल्मीकि संत सीतापुर उत्तर प्रदेश मौजूद रहे। इन परम पूज्य संतों का भव्य स्वागत विश्व हिंदू परिषद एवं मठ मंदिर विभाग प्रमुख श्रद्धेधीर शान दास अर्धमुनि ने अपने सुंदर वचनों द्वारा किया। स्वागत समारोह का आयोजन टाउनढाल प्रखंड अध्यक्ष नवदीप कुमार वाल्मीकि के निवास स्थान पर संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पधारे संतों का स्वागत सम्मान किया गया। इस मौके पर भवनीश सेंगर, अमित गुप्ता, मोहित सक्सेना, राजेश दिवाकर, विनय ठाकुर, गौरव प्रताप, अनिल कठेरिया, गुरमुख सिंह जी, देवांश अग्रवाल आदि ने सहभागिता की। आज हमारे जो हमारा विश्व हिंदू परिषद है वो सारे विश्व में संतों का सम्मान करता है। विभिन्न प्रकार के जो घटक हैं उनमें समर्थता प्रदान करने के लिए, और जैसे कि हमारी परिपाटी है, हम संतों को हमेशा से ही सम्मान देते हैं और उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। इसी कड़ी में आज हमारे जनपद मुरादाबाद की धरती पर विभिन्न भारत के प्रदेश से, हमारे बीच मध्य प्रदेश से मिट्ठू जी महाराज ब्राह्मण संप्रदाय से हमारे बीच पधारे हैं। साथ ही सीतापुर अन्य कई मठों को देखने वाले बीएस वाल्मीकि संत भी हमारे साथ यहाँ पधारे हैं। तो आज हमने यहाँ बैठकर इस संसार की विषम परिस्थितियों पर चर्चा की है। साथ ही हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार हमारे भारतवर्ष में ये जो अनेकता या जो भेदभाव छुआछूत की भावना है, हम इसको मिटाएं। हम सब एक ही हैं, हम सब उन्हीं रामकृष्ण वाल्मीकि की संतान हैं, और हमारा रक्त, हमारा जो संस्कृति है, वही भारत माता के हम ध्वज के नीचे एक होकर सबको बांधने का प्रयास करें हैं। जैसा कि विश्व हिंदू परिषद, विश्व के जितने भी हिंदू हैं, हम सब उनको एकीकरण करते हैं और उनकी समस्याओं को पूरा करते हैं, चाहे वो आध्यात्मिक हो, सामाजिक हो या सांस्कृतिक। तो आज हम तीनों चारों संतों ने यही संदेश मुरादाबाद के वासियों को दिया है कि हमें इन भेदभाव से और छुआछूत से हमें ऊपर उठना है, और हम सब समरसता और समानता के भाव से आगे बढ़ेंगे। ऐसे ही हम सब लोग का।